हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना। पढ़ते हैं हम आज का ओलंपियाड प्रैक्टिस सेशन का, हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर, जो फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन हमें, आप लोगों के लिए क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। इसी के थ्रू आपकी ओलंपियाड की प्रैक्टिस शुरू होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं ना। क्लास सिक्स आपका चैप्टर नंबर क्या आएगा, फर्स्ट वाला फिजिक्स में, है ना। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड ओलंपियाड प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ए साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट पी, है ना। कहाँ से शुरुआत कर रहा है वो? पी पॉइंट से शुरुआत कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? पी पॉइंट से उसने शुरुआत करी, इस वाले पॉइंट से, है ना। पी पॉइंट से शुरुआत करी और कहाँ पे गया वो? ऐसे सर्कुलर मोशन में गया, कहाँ पे? क्यू पे चला गया। क्यू पे चला गया तो आपने पूछा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट वुड बी, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा। डिस्टेंस क्या होती है? जितना वो चलता है, जितना वो चलता है उसको आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस, है ना। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो, पी से चला और क्यू पे उसने क्या करा, खत्म करा, है ना। इन दोनों पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस देखो यही होगी क्या, पी क्यू, है ना। इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, ए। देखो, राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस ए दे रखा है। कितना दे रखा है? रेडियस ए दे रखा है। तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट कितना होगा यहाँ पे? देखो ऐसे कर रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट भी कितना है, ए, और पी से क्यू, ये वाला पार्ट भी कितना है, ए। ये पी पॉइंट आपका और ये क्यू पॉइंट आपका, है ना। तो ए और ए कितना हो जाएगा आपका, टू ए, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, टू ए। अच्छा, जरा इसी में मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें डिस्टेंस बताओ बच्चों कितनी होगी, है ना। डिस्टेंस कितनी होगी? तो चला कितना हो? पूरा सर्कल, एक सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? सर्क्यूमफेरेंस बताओ कितना होता है, 2 पाई आर। आर मतलब रेडियस, 2 पाई ए। ये पूरा सर्कल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 पाई है। अब देखो चला कितना वो, पी से क्यू, हाफ सर्कल चला, है ना, पी से क्यू। अगर पूरा सर्कल 2 पाई है तो हाफ सर्कल ये 1 सर्कल है ना, तो हाफ सर्कल कितना होगा, पाई है ना। 2 पाई है डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई है। तो ये इसकी क्या आ गई, डिस्टेंस। इसी में कभी अगले क्वेश्चन में इसे पूछ ले कि बताओ डिस्टेंस बता दो बच्चों, तो क्या होगा, पाइए। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मे बी 0, है ना। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या, थ्रू द सेंट ट्रेवल, वो कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे मैं चल रहा हूँ, इधर गया इधर गया फिर वापस उसी पोजिशन पे आ गया, है ना। तो उसमें क्या चलते हुए भी क्या किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है ना। इसका स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, इफ ए बॉडी मूव सच दैट फाइनली इट अराइव एट इनिशियल पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना। अब ऐसे चल रहा है वो, है ना, यहाँ से गया इस पॉइंट पे, है ना, यहाँ से ए से शुरुआत करी, इधर वाला इस पॉइंट पे आया बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से फिर वापस कहाँ आया, ए टू बी एंड बी टू ए, ए से गया बी और बी से आया वो वापस कहाँ पे आया, ए पॉइंट पे। तो क्या वो इसी पॉइंट पे फिर वापस आ गया? कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो चला है ना वो। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5, तो 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, तो टोटल चला कितना, 10 मीटर डिस्टेंस हो गई, 10 मीटर। तो यहाँ से पूछा क्या क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, यहाँ से शुरुआत करी थी, है ना, फिर वापस उसी पोजिशन पे आ गया, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी क्या है, बी है। इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी उसका ए है, दोनों एक ही पोजीशन पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। तो स्टेटमेंट 2 फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है ना। फर्स्ट भी क्या है, करेक्ट है, और सेकंड भी क्या है, करेक्ट है। पर जो स्टेटमेंट 2 है वो फर्स्ट का क्या दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ना। किसका दे रहा है वो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट फर्स्ट का। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए वाला वो आंसर, है ना। इसका क्या आएगा, ए वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। क्लियर है क्या, है ना। अगर कोई बॉडी ऐसे मोशन करते हुए उसके इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है ना,
तो क्या होगा उसका इनिशियल, जैसे कोई सर्कल और मोशन में मोशन कर रहा है ना, तो अगर ए पॉइंट से उसने शुरुआत करी वापस से ए पॉइंट पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, और डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर। अगला क्वेश्चन है ना, सर्कुलर मोशन है ना, कौन सी मोशन कर रहा है वो जल्दी बताओ, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स, क्या उसकी डायरेक्शन फिक्स होगी है ना, यहाँ पे वो कुछ ना कुछ मोशन कर रहा है, ये बॉडी है ना क्या कर रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मोशन कर रही है, आया समझ में क्या, है ना, यहाँ से कुछ ना कुछ वो मोशन कर रही है, देखो ये अच्छा दिखेगा, हाँ यहाँ से कुछ ना कुछ ये मोशन कर रही है, तो क्या इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, क्या डायरेक्शन चेंज होगी, एट एवरी पॉइंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इज सेम, हर पॉइंट पे क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या, नहीं, अभी हमने देखा था, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही अभी देखा था, कौन सा, हाँ ये वाला, देखो क्यू पॉइंट पे गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2a, और डिस्टेंस कितनी थी, पाई ए, तो हर पॉइंट पे उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होता नहीं है, है ना, जैसे एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, और डिस्प्लेस जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2 पाई आर, तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो तो वैसे ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है ना, ये वाला क्या है, एट एवरी पॉइंट रॉन्ग है, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजेस कंटिन्यूसली। देखो अब इसमें क्या होता है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, इस वाली डायरेक्शन में है ना, अगर पॉइंट यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, इस अलोंग आई, इस वाले पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, इस अलोंग आई, है ना, तो हर बार जैसे जैसे जा रहा है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है ना, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, इस पॉइंट पे क्या थी अपवर्ड में, इस पॉइंट पे क्या थी इसमें राइट साइड में है ना, और इस साइड में क्या होगा लेफ्ट साइड में है ना, आपके लेफ्ट साइड में, और इसमें क्या आ रही है डाउनवर्ड मोशन में आ रही है, तो इसकी जो है हर बार डायरेक्शन क्या आ रही है चेंज हो रही है ना, तो डायरेक्शन मोशन फिक्स है क्या, नहीं है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, तो हाँ कंटिन्यूसली मोशन क्या आ रहा है उसका चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी क्या, है नहीं है ना, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट नहीं होगी है ना, तो आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज ए मूविंग बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, है ना, अगर कोई बॉडी मोशन में है, ऐसे मोशन कर रही है तो उसका क्या होगा, आएगा ऑप्शन रेजिस्ट, है ना, अब ये क्लास थोड़ा सा अपर क्लास के लिए आपका कुछ है तो इसके लिए है ना, आपको थोड़ा सा मैं उसके लिए इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ये है ना थोड़ा सा एनएलएम से है ना, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने लॉ दिए थे, उसका जो इनर्शिया था है ना, अब इनर्शिया क्या होता है बोला क्या इन्होंने, हाँ इनर्शिया वर्ड है, रेजिस्ट कर रहा है, तो न्यूटन ने इन्होंने बोला था कि जितना ज़्यादा मास होता है ना वो उतनी ज़्यादा उसका अपोज करेगा, जैसे अब ये मार्कर है, अब इसको मैं इधर प्लेस करना चाहूँगा तो इजीली प्लेस कर दूंगा, अगर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको प्लेस करने में आपको उतनी ज़्यादा क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी है ना, तो उसके जो भी अगर मोशन में तो वो मोशन में रहेगा है ना, लाइट बॉडी है तो इजीली आप चेंज कर दोगे, और अगर हैवी बॉडी है तो क्या करोगे आप, इजीली मोशन चेंज उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते, रेस्ट में तो वो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में तो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा, और इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, इनर्शिया बोलते हैं है ना, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। हैवी जितना ज़्यादा मास होगा, आपसे पूछ ले एक बॉडी है 5 kg की, दूसरी बॉडी है कितनी, 10 kg की, बताओ कौन ज्यादा इनर्शिया है उसका, जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया हो, द मास ऑफ ए क्वार्टर पाउंडर इन ए ग्राम, है ना, एक क्वार्टर पाउंडर में कितना मास होता है ना, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2.205, 2.205 पाउंड है ना, इसमें कितना होता है 1 kg है ना, अब बताओ मुझे क्या दे रखा है, ग्राम में पूछना है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम है ना, अब अगर 1 पाउंड, ये कितना आ रहा है, 2.205 पाउंड्स है ना, इतने पाउंड में 1000 ग्राम होते हैं, बताओ 1 पाउंड में कितने ग्राम होंगे, है ना, 1 पाउंड में कितने ग्राम होगा, तो आप क्या लिखोगे, 1 pound इज इक्वल टू 1000
डिवाइडेड बाय 2.205 ग्राम, है ना यार। यार ये वही बात आ गई ना, दो पेन कितने में मिलते हैं 10 रुपये में, एक पेन कितने में मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई, क्या कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो आंसर क्या आएगा 5। तो वही बोल रहा हूँ, इतने 1000 में तो एक कितने में, उसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब पूछा कितने पाउंड है, क्वार्टर पाउंड, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, है ना, इसका मतलब क्या होता है 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4 पाउंड पूछा है, तो 1/4 पाउंड्स में कितने ग्राम्स होंगे, 1/4 पाउंड में कितने पाउंड होंगे, तो ये जो हो जाएगा कितना आएगा 1/4 इंटू 1000 इंटू 2.205, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और इससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर ये आएगा 113.4, है ना, क्या आएगा आंसर 113.4 आंसर आएगा। और शायद हम देख भी सकते हैं, इधर देखो, है ना, थोड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, मैं देखो 1000 डिवाइडेड बाई 2.205, है ना, इसको इक्वल करो, इसको आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, देखो 113.37, है ना, 7 की अगर ये वाली वैल्यू चेंज होगी तो ये 3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 4, है ना, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 113.4। 1 सेंटीमीटर होने इसको लीज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल डिवीजन देन लीस्ट काउंट, है ना, लीस्ट काउंट देखो आपकी एक स्केल है, स्केल में देखो कितने सेंटीमीटर तक रहता है, छोटी स्केल में 15 सेंटीमीटर रहता है ना, अगर देखो 15 सेंटीमीटर की वो स्केल है ऐसे, है ना, ऐसे करके ये कहाँ तक काउंट रहता है, ये 15 तक रहता है। अब इसमें आप सबसे लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम कितना मेजर कर सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर, है ना, कितना काउंट कर सकते हैं हम उसको 0.1 सेंटीमीटर तक हम मेजर कर सकते हैं। अब ये 0.1 मेजर आपने करा कैसे, देखो ये जो था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को आपने कितने पार्ट में डिवाइड करा था, 10 पार्ट में, है ना, 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड करा, 10 पार्ट में, है ना, तो एक पार्ट में कितना होगा 1/10, मतलब ये कितना आया 0.1 सेंटीमीटर, ये आपकी स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन में पार्ट। अब यहाँ पे देखो कितने डिवीजन में है, 20 इक्वल डिवीजन में, एक स्केल कितने में है, देखो एक स्केल जो है वो कितने डिवीजन हो रहा है, 20 डिवीजन, मतलब 20 पार्ट की बोल रहा हूँ मैं, तो 1 डिवीजन कितने में होगा, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1/20, 1/20 मतलब कितना आएगा ये 0.5, कितना आएगा 0.5, देखो डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल लगाई 0, है ना, फिर आपने 0 लगाया, फिर इधर, है ना, तो 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm, तो अगर mm में इसको बदलना है तो ये कितना आएगा 0.5 mm, है ना, कितना आएगा 0.5 mm, है ना, कुछ नहीं करना, एक स्केल जितने पार्ट में डिवाइड है ना उसको उतने, मैं बोल दूं एक स्केल 50 पार्ट में डिवाइड है तो क्या हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पे एक स्केल 20 में तो 0.05 सेंटीमीटर, पर आपको कन्वर्जर आना चाहिए, सारे ऑप्शन किस में दे रखे थे एमएम में, और एक ऑप्शन किस में दे रखा था सेंटीमीटर में दे रखा था, है ना, तो अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर नहीं है तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करोगे, 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं तो 10, है ना, तो इसको क्या करोगे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 आपका आंसर आ गया, है ना, वाह। पेंडुलम, है ना, पेंडुलम देखो ये देखा है ना सबने, ऐसे मोशन करता रहता है ये, तो क्या हो रहा है ये, है ना, इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, चलो एक्स, चलो एक्स वाई तो दे ही रखा है ना, एक्स वाई तो दे ही रखा है,
ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, है ना, पी और क्यू के बीच में वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना, तो आपको ये बताना है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है इफ टाइम टेकन टू गो आर टू क्यू इज टी, है ना, आर से क्यू तक जा रहा है वो, आर से क्यू तक गया तो टाइम कितना लगा उसे, आर से क्यू जाने में उसको टाइम लगा कितना, टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा यहाँ पे, टी टाइम लगा, है ना, विच ऑफ द गिवन रिलेशन इज करेक्ट, आपको ये बताना है कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है ना। अब आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना एक छोटी सा कॉन्सेप्ट है, इधर देखो एक पेंडुलम है, देखो ये ऐसे है ना, ये इसकी बीच वाली पोजीशन है, इसके अराउंड ये क्या करता है, मोशन करता रहता है ना, ये इसकी ए पोजीशन, ये इसकी बी पोजीशन और ये इसकी सी पोजीशन, है ना। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक टाइम पीरियड कितना होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, जैसे ए से उसने शुरुआत करी थी, ए से सी गया और सी से वापस कहाँ पे आया, वो ए पॉइंट पे आया, है ना, ए से सी गया और सी पे फिर वापस कौन से पॉइंट पे आया, ए, है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, जैसे सी से शुरुआत करा, यहाँ ए पे गया और ए से फिर वापस कहाँ पे आया, सी पे, उसको एक क्या बोलोगे आप, कंप्लीट ऑसिलेशन, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं ना, टाइम पीरियड किसको बोलोगे आप, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टी, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, देखो अब देखो मुझे इधर देखना है ना, एक जो टाइम पीरियड है वो कितनी साइकिल से मिलके बना हुआ है, ए से सी गया और सी से वापस ए आया तो कितने पार्ट में, देखो ए से बी गया वन पार्ट, बी से सी गया टू पार्ट, सी से बी गया थ्री पार्ट और फिर बी से ए गया, ये कौन सा पार्ट है, फोर पार्ट है ना। तो एक कंप्लीट ओसिलेशन में वो कितनी कितने पार्ट चल रहा है, चार पार्ट चल रहा है ना, टाइम पीरियड जो है वो कितने पार्ट में चल रहा है, फोर पार्ट मिला के जो है वो कितना बन रहे है, देखो चार पार्ट मिला के एक टाइम पीरियड बन रहा है ना, चार पार्ट मिला के कितना बन रहा है, एक टाइम पीरियड बन रहा है। पूछा क्या है उसने, आर से क्यू का टाइम दे रखा है, एक पार्ट का टाइम जो है, देखो यहाँ से हम एक पार्ट का टाइम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी बाई फोर, और टी बाई फोर की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है, कैपिटल स्मॉल टी, है ना, तो टी इज इक्वल टू टी बाई फोर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो समझो, एक कंप्लीट साइकिल को आप बोलोगे टाइम पीरियड, और ए से शुरुआत करा वापस ए पे आया, है ना, जिस पॉइंट से शुरुआत करके वापस उसी पॉइंट पे आप कंप्लीट करते हो तो उसको बोलते हो क्या, वन कंप्लीट साइकिल, और इसको टाइम करने में जितना कंप्लीट लगता है ना उसको आप बोलोगे क्या, टाइम पीरियड, है ना। देखो ए से बी गया एक साइकिल, बी से सी गया दो साइकिल, है ना, सी से बी गया तीन और बी से ए गया चार साइकिल, चार साइकिल मिला के एक क्या हो रहा है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है ना। तो हमने बोल दिया चार पार्ट मिला के जो टाइम है एक ये इसको हम बोलेंगे क्या, टाइम पीरियड बोलेंगे, है ना। तो हमसे पूछा क्या है, आर से क्यू है ना, ए आर से क्यू मतलब ये एक पार्ट है, देखो ये आर से क्यू जाता है ना, फिर पी आता और फिर आर पे आता, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होती है ना, तो ये चार पार्ट का एक हिस्सा है ना। तो एक हिस्सा कितने में आएगा, टी बाई फोर, और टी बाई फोर की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी, है ना। तो कितना हो गया ये, टी बाई फोर। देखो इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा पूछ लूं, पी से क्यू कहां से, ये पी से क्यू जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। देखो P से Q में कितनी बार चल रहा है, ये एक टाइम, और ये R से Q कितना चल रहा है, टू टाइम, है ना। R से Q कितना चल रहा है, टू पार्ट में चल रहा है। देखो तो टू पार्ट का कितना, वन पार्ट का T बाई फोर है, तो टू पार्ट का कितना होगा, T बाई फोर इंटू टू इज इक्वल टू T बाई टू, है ना। ये कितना आएगा, T बाई टू, और T बाई फोर की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे T बाई फोर की वैल्यू आप T रखते हैं, है ना, T by 4 की वैल्यू जो है T रखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2T, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता P से Q जा रहा है तो बताओ उसका टाइम कितना होगा, T by 2 होगा, स्मॉल T by 2, है ना। फर्स्ट ऑप्शन ऐसे दे दिया T by 2, सेकंड ऑप्शन ऐसे दे दिया T by 4, थर्ड ऑप्शन ऐसे दे दिया 4T, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो कितना दे रखा है, 2T, है ना। तो और पूछा क्या है इसमें, P से Q वाला, है ना, ये नया क्वेश्चन है, P से Q जा रहा है मतलब कितना आ रहा है, ये 2T, इसका आंसर क्या होगा, 2T, है ना।
तो एक चार साइकिल मिला के एक पार्ट बनते हैं, इसी वजह से हमने चार पार्ट में एक टाइम पीरियड हो रहा है, एक एक पार्ट का दे रखा है, तो एक पार्ट कितना होगा T/4। चलो कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन 1 आवर, है ना, एक घंटे में कौन सा आ रहा है, मिनट एंड, है ना। मिनट एंड जो देखो वो क्या आएगा, यहां से शुरू करेगा, है ना। अब वो एक घंटे में क्या होगा, पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, है ना। एक घंटे में क्या आएगा, ये मिनट का जो एंड है ये पूरा क्या कर लेगा, एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा ना। तो वो जिस जहां से शुरुआत करी थी वापिस उसी पोजीशन पे पहुंच गया क्या, जहां से उसने शुरुआत करी थी उसी पोजीशन पे पहुंच गया ना, एक घंटे में वापिस यहीं पे आ जाएगा, एक सर्किल कंप्लीट कर लेगा। एक सर्किल कंप्लीट कर लिया मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, जीरो, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, जीरो होगा, है ना। कंसिडर द मोशन, अब इसमें क्या डिस्टेंस का, डिस्टेंस जीरो होगा क्या, एक सर्कल चला वो कुछ ना कुछ तो चला है डिस्टेंस, इसी वजह से उसका जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा, है ना। एवरेज स्पीड नन ऑफ दिस, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इस ऑप्शन का क्या आया, जीरो। ये अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए पेंसिल, एक पेंसिल है या ऐसे मार्ग है मान सकते हो आप, है ना। तो उसकी लेंथ आप देखो यहाँ से ऐसे देख रहे हो, ऐसे तिरछे, है ना। जो सबसे पहले मेजरमेंट के लिए आपको तीन या चार चीजें उसको, है ना, बराबर पॉइंट पे रखना चाहिए, और उसको एग्जैक्ट ऐसे हो ना, तो इसकी आपकी जो देखने का तरीका है वो एकदम वर्टिकली होना चाहिए। इस वाले पॉइंट से आपको इसको देखोगे, अब इस पॉइंट को आप यहाँ से ना देख के यहाँ से देख रहे हो, है ना। देखो वो ऐसे ही कर रहा है, इसको अगर ये वाली आँख जो है अगर यहाँ पे होती, है ना, अगर ये वाली जो आई है ये यहाँ पे होती, यहाँ इस वाली पोजीशन पे, तो करेक्ट मेजरमेंट आता, पर यहाँ से शिफ्ट होके थोड़ी सी इधर आ गई तो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ तक आ गई, है ना। देखो ये कितना है, ये हाफ साइकिल है ना, तो हाफ साइकिल मतलब 0.5, ये कितना है 0.5, और ये कितना है देखो, ये 4 और ये 1 और ये 2, है ना। तो ये जो रीडिंग है ये कितनी आ रही है, 4.2, ये रीडिंग कितनी आ रही है, 4.2 आ रही है ना। तो अब एक्चुअल लेंथ देखो, एक्चुअल लेंथ तो ये है 1 से 4 तक, जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ तो कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर, है ना। और देखो फिर भी सेंटीमीटर में ऑप्शन नहीं है, है ना, ओलंपियाड है भैया, है ना। तो 3 सेंटीमीटर अभी भी क्या है, ऑप्शन में नहीं है, तो mm में बदलोगे 1 सेंटीमीटर में, हमने पहले क्वेश्चन में डिसाइड करा था 10 mm होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 30 mm, है ना। अब भैया 30 mm है तो ये गया ये गया ये गया, हमारे पास वैसे ऑप्शन तो आ ही गया, है ना, थर्ड वाला ऑप्शन है, पर अपेरेंट लेंथ भी हम देख लेते हैं क्योंकि करना है तो क्वेश्चन तो हम करेंगे, है ना। देखो ये कितना है, अपेरेंट लेंथ में कुछ भी नहीं है, लास्ट जो लेंथ आ रही है अपेरेंट लेंथ, देखो लास्ट वाला पॉइंट कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, और ये कितना आ रहा है, 0.5 सेंटीमीटर, है ना। तो कितनी आ रही है, 3.7 सेंटीमीटर, और 3.7 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 37 mm, है ना। 10 से आप डिवाइड कर दो, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड वाला, है ना। अगला क्वेश्चन है ना, अब देखो अगले 11 और 12 दोनों इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। वो जो सर्कल चला है ऐसे चल रहा है ना, फिर यहाँ से ऐसे गए और फिर यहाँ से वो ऐसे गया, इसको नाम दे रखा है इन्होंने O, इसको नाम दिया Y और इसको नाम दिया X। दो पर्सन है, दो दोस्त है जिगरी यार, एक है रवि और दूसरा है राहुल। देखो पहला वर्ड भी दोनों का आर आर से आ रहा है ना, तो ट्रिपल आर तो नहीं बना नहीं है पर डबल आर तो जरूर है ना। तो राहुल और एक कौन सा है, रवि है। राहुल और रवि देखना, राहुल कैसे चल रहा है, ऐसे ये फर्स्ट वाला पाथ, ये राहुल वाला पाथ है, ए से गया, एक्स से गया ओ, और ओ से गया वाई, है ना। ये पाथ किसका है, राहुल जी का है ना। और जो रवि है, रवि का पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ है। अगर इस पाथ को आप नंबर 1 नाम दे रहे हो, इस पाथ को नंबर 2 दे रहे हो, है ना,
ये किसका है, रवि का पात है भैया। दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एक्स एंड साइमल्टेनियसली इन द ग्राउंड रीच पॉइंट वाई एट द सेम टाइम। अब वाई पे दोनों सेम टाइम पे पूछ रहे, तो बताओ ये वाला तो इतना डिस्टेंस चला और ये वाला इतनी डिस्टेंस चला है ना, तो अब क्लियरली पता चल रहा है भैया इतने ज्यादा डिस्टेंस चली है और इसने कम डिस्टेंस चली है ना। तो ये ज्यादा डिस्टेंस चली है तो भी ये उसी टाइम पे 5 मिनट में पहुंचा है। जैसे इसका मान लो कितना, ये 10 मीटर चला और ये 8 मीटर चला है ना, तो 10 मीटर भी वो 5 सेकंड में चला और 8 मीटर भी वो 5 सेकंड में चला, तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी है ना। तो देखो भैया ऑब्वियसली बात है राहुल ने स्पीड ज्यादा थी है ना, राहुल की स्पीड क्या थी, ज्यादा थी है ना, और इसकी जो स्पीड है वो क्या थी, कम थी। कम डिस्टेंस कम स्पीड, ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा स्पीड है ना। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज शो द डिस्प्लेसमेंट है ना। अब एक से उसने शुरुआत करी है ना, एक से शुरुआत करी और वाई पे क्या करा, खत्म करा। दोनों के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस तो मुझे तो यही दिख रही है ना। तो सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, एक्स वाई है ना, एक्स वाई क्या है, ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज द शो द, क्या पूछ रहा था, डिस्प्लेसमेंट पूछा था, ये तो वैसे ही कर देते आप है ना। स्टेटमेंट इज करेक्ट, राहुल कवर लॉन्गर डिस्टेंस विथ ए लोअर स्पीड है ना। ये राहुल ने लॉन्गर डिस्टेंस कवर करी है कि, हाँ बिल्कुल करी है। क्या इसकी स्पीड कम है, नहीं बाबा है ना, इसकी स्पीड ज्यादा है। तो लॉन्गर डिस्टेंस है पर स्पीड कम नहीं है इसकी, इसकी स्पीड ज्यादा है भाई है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। राहुल कवर लॉन्गर डिस्टेंस विथ हायर स्पीड है ना। राहुल जो है वो क्या कर रहा है, लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। क्या इसकी स्पीड हायर होगी, तो हाँ इसकी स्पीड भी क्या होगी, हायर होगी। राहुल एंड रवि बोथ कवर डिफरेंट डिस्टेंस विथ सेम स्पीड, क्या दोनों की स्पीड सेम थी क्या, नहीं। रवि की जो स्पीड थी वो क्या थी, कम थी, और राहुल की स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रवि कवर ए शॉर्टर डिस्टेंस विद हायर स्पीड, शॉर्टर डिस्टेंस हाँ बिल्कुल है। क्या इसकी स्पीड ज्यादा थी, नहीं। शॉर्टर डिस्टेंस और शॉर्टर, उसकी स्पीड भी क्या रहेगी, लोअर रहेगी, कम रहेगी। अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जांपल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन आपको पता ही है ना, ऐसे गोल गोल घूमना एक फिक्स पॉइंट के अराउंड। क्या विंडमिल जो देखा है ना वो सर्कुलर मोशन करती है, तो हाँ करती है भैया है ना। मूवमेंट ऑफ ए स्पिनिंग टॉप, वो भी ऐसे क्या करता है, घूमता है, तो वो भी करता है। ए ट्रेन मूविंग ऑन ए कर्व पाथ, अब जैसे ये कर्व पाथ पे वो ट्रेन जा रही है, तो ये पूरा सर्कल थोड़ी हुआ है ना। अब इस कर्व पाथ पे वो जा रही है तो ये पूरा सर्कल थोड़ी हुआ है ना, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो जो रोटेशन करता है तो वो भी क्या था, एक टाइप का सर्कुलर मोशन है। ए बटालियन मूविंग इन ए परेड, परेड में तो सीधे सीधे चलते हैं भैया है ना, सीधे सीधे चलते हैं ना, सीधे सीधे चलते हैं, तो वो कौन सी स्ट्रेट लाइन मोशन हुई, तो ये भी क्या नहीं होगा, गलत होगा। पूछा क्या है, नोट पूछा है ना, तो थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ कौन सा ऑप्शन आ रहा है ना, बी वाला ऑप्शन। कौन सा है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया है ना, इजी था। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द वुडन बॉक्स, किसी बॉक्स की आप मेजर कर रहे हो, लेंथ कर रहे हो ना, देखो मेजर कर रहे हैं किसी बॉक्स की लेंथ। चलो मैं भी एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसे बना लिया है ना। चलो इस मेजर कर रहे हो तो एक एंड जो है, ये वाला जो एंड है उसका कितना आ रहा है, ये वाला जो एंड है वो कितना आ रहा है, 1.5 सेंटीमीटर, और ये वाला जो एंड है ये कितना आ रहा है, 4.7 सेंटीमीटर आ रहा है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन बॉक्स है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, इसमें तो कुछ भी नहीं था, 4.7 माइनस 1.5 करना है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ निकालनी है, एक्चुअल एक्चुअल लेंथ। 7 में से 5 गया 2, 4 1 गई 3, 3.2 सेंटीमीटर है ना एक्चुअल। फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। द डायग्राम शो ए मेथड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर यूजिंग ए मीटर रूल, व्हाट इज द एस्टिमेट डायमीटर ऑफ द वायर, कैसे करोगे भैया है ना।
अब एक कोई वायर है, जैसे अब ये एक स्केल है ना, इसमें आप ये वायर ऐसे करके रेप करते जा रहे हो करते जा रहे हो, कितने टर्न लिए इसने, 40 कॉइल्स है ना, कितने टर्न लिए एक वायर में। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिंपल सा, ये एक वायर है ना, अब इस वायर में आप टर्न ले रहे हो, कितने टर्न ले रहे हो, ये 1 ऐसे करके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 टर्न है भैया, पूरे में कितने टर्न आ गए, ये 20 टर्न है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ है ना। अगर इसकी जो एक्चुअल डायामीटर निकालना है तो आप ऐसे करो, इसकी जो है 40 सेंटीमीटर है, पूरे 40 सेंटीमीटर में कितने टर्न ले रखे हैं उसने, 20 टर्न ले रखे ना, तो एक टर्न कितने में आएगा, 20 जो है 20 टर्न 40 में होते हैं, तो एक टर्न आएगा 40/20 है ना, 2 सेंटीमीटर में। एक वायर जो है सिंपल सा वो कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है ना, एक वायर कितने में आ रहा है, 2 सेंटीमीटर में आ रहा है, और डायमीटर भी तो पूछा है डायमीटर में, तो यही आंसर आएगा। और अगर रेडियस पूछ ले तो इसका हाफ कर दो, अगर रेडियस पूछे, ध्यान रखना रेडियस पूछा है डायमीटर पूछा है, तो 2/2 आंसर आएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे कितने टन ले रखे हैं, 14 टन, यहाँ पे टन कितने है जल्दी बताओ, 14 टन है, और इसकी लेंथ कितनी, अब फिर से दे दिया देखो, इसको देखो क्या आ रहा है, ये यहाँ पे दिया है देखो, ये 7.2 और ये कितना आ रहा है, 7.4, इसकी जो लेंथ है ये कितनी आ रही है, देखो 7 और 8 के बीच में पांच पार्ट में डिवाइड है, तो एक जो लाइन है वो 2 शो करेगी है ना। अब देखो यहाँ पे 1, 2 है ना, तो ये कितना आएगा, 4.6, ये वाला जो पॉइंट है ये कितना आ रहा है, 4.6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 है ना। अब इसकी लेंथ आपको पता है ना, लेंथ कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, लेंथ कितना करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, देखो कितना आ रहा है, 8, 6 में से 4 गया, 2, 2.8 सेंटीमीटर है ना, 14 जो टन है वो कितने में आ रहा है, 2.8 सेंटीमीटर में, तो एक टन कितने में आएगा भैया, 2.8/14 जो है वो कितना आ रहा है, 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है ना, आंसर आ गया 0.2 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना, जितने टन ले रखे हैं जितनी लेंथ ले रखी है उसे डिवाइड कर दो, ये उसका डायमीटर आया, अगर रेडियस पूछ ले तो 0.1 सेंटीमीटर, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगला पूछा है क्या, देखो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है ना, अच्छा नाम दे दो इसको, अच्छा रहेगा, ये ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, और ये कौन सा सर्कल है, बी सर्कल है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन कौन से सर्कल में आ रहा है, ए वाले सर्कल में और बी वाले सर्कल में है ना, तो क्या ये सी वाले सर्कल में आ रहा है क्या, नहीं है ना, फर्स्ट वाला पॉइंट ऊपर रह गया है ना, और सी वाला सर्कल नीचे आ गया, तो फर्स्ट वाला सर्कल जो पॉइंट है वो पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है, तो हैंड ऑफ ए क्लॉक पीरियोडिक है पर ऑसिलेटरी नहीं है, मोशन ऑफ ए टॉप रोटेशनल है, पीरियोडिक हो सकता है पर ऑसिलेटरी नहीं है, टू एंड फ्रॉम मोशन क्या होगा, टू एंड फ्रॉम मोशन ऑसिलेटरी होती है, और पीरियो हर ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, पीरियोडिक होती है, तो आपका आंसर तो वैसे ही आ गया भैया है ना, एक ही ऑप्शन मुझे चेक करना पड़ा और उसी में क्या हो गया, आंसर आ गया आपका, उसी में आंसर आ गया। देखो सेकंड पॉइंट कौन कौन से बीच में आ रहा है, पीरियोडिक और रोटेशनल होना चाहिए, हाँ सेकंड पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है पीरियोडिक होना चाहिए, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक है ना, ठीक है, और ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये किस में आ रहा है, रोटेशनल में आ रहा है, टू एंड मोशन ऑफ ए टॉप रोटेशनल होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ सही है, और जो थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाला तो ओनली रोटेशनल आ रहा है, रोटेशनल जो है फ्लाइंग बर्ड है क्या, नहीं, मोशन ऑफ हनी बी द ब्लेड ऑफ फैन सर्कुलर है ना, यही दिख रहा है ना, जितने ज्यादा अगर एक ऑप्शन जा रहा है तो उसी को आप टिक करो, इसे ना ज्यादा ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है,
टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स पी एंड क्यू मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, है ना, दो बॉल है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, एक बॉल ये हुआ ए, है ना, एक इधर आया, एक बॉल हुआ, चलो इसी का नाम देते थे ना पी और क्यू, ये इधर आ रहा है ना, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, कोलाइड करेंगे, दोनों कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, दोनों कोलाइड करेंगे तो अब दोनों की जो है पी के जो साइज है वो क्या कम होगी क्या, जो इतना बड़ा था वो टक्कर खाने के बाद कम हो जाएगा क्या या बढ़ जाएगा, नहीं, है ना, ऐसा थोड़ी है भैया हवा भर दी है ऐसा कुछ हुआ, पंचर कर दिया टायर तो कम हो गया, है ना, नहीं, टक्कर करने के बाद भी वो उतना ही रहेगा, है ना, तो उसकी शेप कभी भी चेंजेस विल मोस्टली अपियर, है ना, किस किस में उसमें चेंज होगा, तो शेप में चेंज होगा क्या, उसकी शेप कभी भी नहीं बदलेगी, है ना, दूसरा आ रहा है उसकी स्पीड, अब जिस स्पीड से वो एकदम से क्या कर रहे हैं कोलाइड करने, कोलाइड करने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, तो उसकी स्पीड में तो डेफिनेटली क्या आएगा, चेंज आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो सकता है, अब देखो ये 10 मीटर, ये कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, अब ये 10 मीटर वाला इसको इधर ले जाएगा क्या, है ना, अब ये 2 मीटर वाला बेचारा ये तो दुबला पतला है ना, इसके पास कोई पावर ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, इधर वो इधर इसको इधर ले जा नहीं सकता, तो वो 2 मीटर पहले इधर आ रहा था, और जो 10 मीटर वाला उसकी डायरेक्शन फिर से क्या करेगा, चेंज कर देगा, तो क्या होगा, थर्ड में भी डायरेक्शन चेंज होगी, बिल्कुल होगा वॉल्यूम तो कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना, तो पूछा क्या इसने, चेंजेस वाले पूछे या बिना चेंजेस वाले पूछे, चेंजेस वाले पूछे, है ना, तो चेंज किस किस में हो रहा है भैया, स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3, है ना, और बेटा क्वेश्चन पहले पढ़ो किस पूछा क्या है ना, कभी आप चक्कर में, है ना, ये वाला कर दोगे 1 एंड कौन सा आ रहा है ये 1 एंड 4 ऑप्शन है क्या, चलो 1 एंड 4 का ऑप्शन ही नहीं है ना, मैं पेपर बनाता तो 1 एंड 4 भी देते था, 1 एंड 4 देते था, तो बच्चे कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो नोट वगैरह ऐसे चेंजेस वगैरह देखते ही नहीं है ना, तो उसके चक्कर में क्या होता था, रोंग आंसर आपका हो जाता, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, टाइम दे के पढ़ो जितना आप ले सकते हो, इसको है ना सबसे लास्ट में करेंगे, इसको भी लास्ट में करेंगे, देखो ए बॉल इज रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एच ऑन इन द गिवन फिगर विच टाइप ऑफ मोशन द बॉल इज अंडरगोइंग, है ना, अब ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे वो क्या कर रही है, बॉल ऐसे रोल करते हुए कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, है ना, तो एक तो ये सबसे पहले क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, और दूसरा इस पे क्या करेगी, रोल करते हुए जाएगी, तो रोटेशनल और लीनियर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, दूसरा इसका देखो, इसका पानी का वो क्या पूछा है, गिवन फिगर मेजरिंग द सिलेंडर बिफोर एंड आफ्टर द इमर्जन ऑफ इरेगुलर शेप ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना, अब ये पूरा पानी का भरा हुआ है, अभी इसका जो वॉल्यूम है देखो ये 60 और 80, इसके बीच में 60 और 80 के बीच में मतलब कितना आ रहा है ये 70, है ना, अभी जो है सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है ये 70 सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो है ये कितना आ रहा है 2 पॉइंट ऊपर आ रहा है मतलब 82 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, हाँ, अब पूछा क्या है, पहले ये खाली था, अब इसमें से कोई पानी आप क्या कर रहे हो, पत्थर है या कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डाल रहे हो, है ना, तो ऑब्वियसली बात है कोई पानी के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को डालोगे तो पानी क्या करेगा, ऊपर आएगा ही, सही ना, अब एक महान साइंटिस्ट थे हमारे आर्किमिडीज साहब, है ना, एक बार वो पानी में ऐसे बैठ गए, ऐसे छपक छक कर रहे थे, है ना, छोटे बच्चे की तरह, तो अब उन्होंने क्या करा, जैसे ही वो उसमें बैठने जाते थे पानी सारा क्या निकल जाता था, बाहर निकल जाता था, ऑब्वियसली बात है अब किसी ने उन्होंने दिया नहीं ध्यान, तो जैसे पानी में ऐसे टब ऐसे जो भी भरा हुआ रहता था ना, तो वो जैसे उसमें बैठे तो वो क्या करा, जो पानी था वो कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, तो वो ऐसा हो गया रहा है, फिर उन्होंने एक ट्रिक लगाई, है ना, वो जो है वो पानी को बाहर निकाल के एकदम से कलेक्ट कर लिया, है ना, अब की बार उन्होंने किसी जैसे एक वेट है या कुछ भी ले लो, है ना, 10 किलो का कोई ऑब्जेक्ट था उसने पानी के अंदर डाला, तो वो जितना उसका वेट था ना उतना ही पानी वो क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था, है ना, तो ये जितना इसका वॉल्यूम बड़ा है, जितना वॉल्यूम इसका बड़ा है वही वॉल्यूम किसका है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का है, देखो पहले 72 था अब कितना आ रहा है 82, तो वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, 82 माइनस 70 कितना आ रहा है, ये 12 सेंटीमीटर क्यूब,
इतना वॉल्यूम उसका बड़ा है, इतना वॉल्यूम बड़ा है, मतलब ये वॉल्यूम कहाँ से आया, उस पत्थर के डालने से आया या सॉलिड ऑब्जेक्ट के डालने से आया, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 12 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्वेश्चन और बच रहा है सर, है ना, क्या आ रहा है। ए स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ ए स्टोन, बट बाई मिस्टेक ही हैज मिक्स अप द इंस्ट्रक्शन कार्ड एच बाई ही हैज मिक्स अप द इंस्ट्रक्शन कार्ड एच वन बिलो द, है ना। अब देखो, फाइंड द डेंसिटी, उसको क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। उसका जो है पत्थर का जो होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम है। अब मास तो आप मेजर कर लोगे, कैसे मेजर करोगे। अब ये देखो, फाइंड द मास, अब वो किसी भी, अब ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का मुझे क्या करनी है, जैसे कुछ भी एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया है ना, इस ऑब्जेक्ट का मुझे क्या निकालना है, इस ऑब्जेक्ट को क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या करोगा, सबसे पहले तो इसको वेट मशीन पे लेके इसका वेट देख लो, भैया कितना आ रहा है, हाँ 10 किलो है ना, 10 kg का है भैया, है ना। तो इसका मास कितना है, सबसे पहले तो अब इसमें क्या ये वेट मेजर कर रहा है, नहीं, इसमें पानी है, नहीं, यहाँ पे इसमें मेजर कर रहा है। तो सबसे पहले मास को मेजर करेगा, तो सबसे पहले जो है वो कौन सी स्टेप आएगी, फर्स्ट। तो यहाँ पे जो है ये फिफ्थ वाला रोंग है ये, है ना, सॉरी सॉरी, फर्स्ट वाला को रोंग नहीं करना है। ए और सी तो वैसे ही क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। आपके पास कौन सा बचा, बी और डी ऑप्शन, है ना। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में निकाला था। क्या करोगे, पहले जो है वो वॉल्यूम आएगा, और बाद में क्या आएगा, उसका वॉल्यूम जो भी इंक्रीज हुआ है ना। तो सेम स्टेप आपको यहाँ पे करनी है। देखो, सबसे पहले क्या आएगा इसका, सबट्रैक्ट द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वी आई। सबसे पहले आप लोगे क्या, एक पानी का सिंपल सा, है ना, अभी हमने क्या देखा था, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो एक पानी का जो भी भरा हुआ, इसकी जो वॉल्यूम है, जैसे इसका वॉल्यूम कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले पानी का वॉल्यूम क्या करोगे आप, मैं देख लो, तो इसमें देख लो, इसमें पानी, इसमें पत्थर रखा हुआ है भैया, है ना, इसमें भी रखा हुआ है, इसमें भी रखा हुआ है। तो इसमें है ना, ये बिना पत्थर वाला ऑप्शन ये है। तो फर्स्ट के बाद कौन सा आएगा, फिफ्थ है, पहले फर्स्ट आया फिर फिफ्थ आया ना, आपका ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट हो गया। अब देखो, वन बाय वन देखते हैं, अब इसमें क्या आ रहा है थर्ड। अब क्या करा, पुट द स्टोन इनटू द लिक्विड। अब क्या करोगे, पानी को क्या करोगे उसमें, है ना, लिक्विड में डालोगे। लिक्विड के बाद रीडिंग द, अब क्या करना है इसमें, रीडिंग नोट करनी है ना। थर्ड के बाद आप क्या करोगे, फोर्थ, डिवाइड द मास ऑफ द, थर्ड वाला आया, थर्ड वाले के बाद फोर्थ करना है। फोर्थ वाला ऑप्शन मतलब क्या आएगा, सिक्स वाला, है ना, फाइंड द सिलेंडर इन सॉलिड रिजिड बाय एनी बबल्स, है ना। क्या उसमें देखो, डेंसिटी निकालनी है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन, डेंसिटी होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास तो आप इजीली निकाल लोगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालना है, वेट मशीन पे रखा उसका वेट देख लो, है ना, 10 किलो, 5 किलो, जितना भी है, 5 kg, है ना। तो 5 kg मास हमने वेट मशीन पे निकाल दिया, उसका जो मास आ रहा था वो कितना आ रहा था, 5 kg आ रहा था, है ना। तो सबसे पहले तो फर्स्ट आप देखो, मशीन, वेट मशीन पे कौन सा रखा है, ये तो सब पानी वाले ऑप्शन है ना। तो फर्स्ट वाला ए वाला फर्स्ट था, तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गए। हमारे पास बचा कौन सा, बी और कौन सा बचा, बी और डी वाला ऑप्शन, है ना। अब क्या करोगे, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले अभी हमने ये क्वेश्चन करा था, सबसे पहले खाली वाला बोतल देखो, है ना। तो खाली बोतल यहाँ पे कौन सी है, ये वाली है ना, इसमें पानी पत्थर रखा, इसमें पत्थर रखा, इसमें पत्थर रखा हुआ है। तो खाली वाली बोतल कौन सी है आपकी, ये वाली। तो ये कौन से नंबर पे, पांचवें नंबर पे, है ना। अब क्या करोगे, इस पानी के अंदर आप जो भी स्टोन है वो डालना है। तो स्टोन कौन से में रखा हुआ है, ये इसमें सिक्स वाले में, है ना। तो फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, सिक्स वाला। फिर आपको क्या करनी है, रीडिंग नोट करनी है। रीडिंग नोट करने के बाद आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, है ना। देखो, ये 20 सेंटीमीटर डाली, दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या करोगे, आप पत्थर डालोगे, है ना। पत्थर डालने के बाद इसकी जो रीडिंग है आप देखोगे कितनी आ रही है, 40 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है ना, 40 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। पत्थर डाला, पत्थर डालने के बाद आपने देखा उसको, फाइंड द, आप, है ना, रीडिंग, रीडिंग आपने कहाँ पे देखी, यहाँ पे, या ये तो पत्थर डाला है ना।
पत्थर डालने के बाद आप क्या करोगे, उसमें कुछ बबल वगैरह तो नहीं आ रहे ना पानी में? अगर बबल वगैरह है तो उसको निकलने का इंतजार करो, क्योंकि बबल आने से क्या होता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है ना, वो वॉल्यूम जो है इस पत्थर का नहीं होगा, है ना? तो उसको निकलने का इंतजार करो, कुछ डाल सेटल होने के बाद उसकी रीडिंग देखो, है ना? तो कौन सा आएगा ऑप्शन सेकंड, अब जो भी रीडिंग आ रही है उन दोनों को आप क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे ना। अभी हमने इसी वाले ऑप्शन में क्या करा था, सबट्रैक्ट ही तो करा था ना। यहाँ पे भी क्या करोगे, ये 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 आंसर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसका क्या आया, वॉल्यूम आ गया, है ना? अब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डिवाइड द मास ऑफ द, है ना? अब मास, लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन 4, है ना? मास को आप किससे डिवाइड कर दोगे? अच्छा वॉल्यूम है ना, ये सही था। तो डेंसिटी अगर मुझे निकालनी है तो मास कितना है 5, वॉल्यूम कितना है 20, है ना? 1/4, 1/4 ही तो आ रहा है। 1/4 मतलब कितना आएगा, 0.25, है ना? डेंसिटी आएगी मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, है ना? केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में ले रहे थे ना। देख लो आपका जो ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है। इसी के साथ आपकी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होते हैं, खत्म होते हैं। इजी, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, है ना? इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, है ना? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे आप कर लो। चलो, थैंक यू।